की एक और इस वीडियो में, और ये हमारे झा साहब, हम लोग जा रहे हैं कहीं, ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, और अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। ये चिया, चिया बोल हेलो गाइस, हेलो गाइस। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं और ये सरप्राइज है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहो और प्लीज यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो Insane Sid Whitey। डिस्क्रिप्शन में आपके सारे लिंक है, फेसबुक इंस्टा, आप लोग जहाँ फॉलो करना चाहो फॉलो कर सकते हो। सो गाइस चलिए हम चलते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हम जो है पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच ही रहे हैं, और यार क्या रोड है, ये रोड है अपने ITO का, और हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा रहता है, साफ सुथरा भी है, ट्रैफिक नहीं है, और रात का टाइम है तो बहुत मज़ा आ रहा है। क्या रोड है यार, मतलब औसम है मौसम। सो गाइस आप लोग देखते रहो, हम जा रहे हैं अभी ITO की तरफ, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आगे आपको बता दूंगा। और प्लीज़ यार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को, और बेल आइकॉन आप लोग दबा सकते हो। और बाकी सुजीत भाई कुछ बोलना चाहेगा तो, तू हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलता है, जब भी बोलता है अलग ही बोलता है। सो ये है हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का एरिया, और ये झा साहब ड्राइव करते हुए, क्या बात। बहुत ही अच्छा मौसम, हम लोग पहुंचने वाले हैं ITO, और ITO पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। अगला चौक जो है वो है ITO का, आपको बट हम ITO से राइट ले लेंगे पहले, हैं राइट ले लेंगे हम लोग ITO से राइट लेंगे, फ्लाईओवर के नीचे से, क्या बात है। सो गाइस चलिए चलते हैं, और हम चले चले जा रहे हैं यार, चले चले जा रहे हैं, क्या बात है, और हम मिलेंगे यहाँ से राइट, तो हम बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, और ये सभा मैडम अभी उतरने में टाइम लगा रही हैं, क्या बात है, उतरना चाहेगी अब, क्या बात है, तेरा मन नहीं, तू यहीं बैठी रहे, तू यहीं बैठ रहे भाई, और ये उतर रहे हैं। और गाइस हम आ चुके हैं आलू के पराठे खाने ITO में, पासपोर्ट ऑफिस के सामने आपको मिलेंगे यहाँ आलू के पराठे, और ये हमारे वीरपा जी हैं दीप ढाबा। तो यहाँ पे हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है, आप लोग देखो क्या क्राउड है, और सर्दी में आलू के पराठे खाने की बात ही अलग है। और ये इनका सर्विस रोड है, मैं आपको दिखा दूँ, ये ITO की बिल्डिंग, और ITO के बिल्कुल MBD ग्रुप की जो बिल्डिंग है उसके सामने सर्विस रोड है। और हेलो चिया, हेलो गाइस कर चिया, हेलो गाइस जी, हेलो गाइस। और जी अभी अभी शर्मा रही है, ये अपने डॉगी से खेल रही है, यहाँ भी एक डॉगी आ चुका है, क्या बात है। और तो ये है इनका मेन्यू, यहाँ पे अगर आप देखो आलू का पराठा जो है वो 25 रुपए से है यार, आलू प्याज पराठा 30, गोभी पराठा 35, और मतलब यार काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ हैं। और ये इनका है बहुत ही अच्छा, ये इनकी थोड़ी सी भीड़ भी है, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, मतलब सर्दियों में अगर आप आओ खाना खाने तो बहुत ही मज़ा आता है। आ चुके हैं, और यहाँ सुजीत जी बहुत ही अलग चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम चलते हैं जो भीड़ है यार, मतलब अलग ही मज़ा आता है यार। तो हम चलते हैं गाइस, जो यहाँ के ऑनर हैं अमित पाल जी, हम उनसे थोड़ी बात करते हैं, उनका कैसा है क्या है, हम सब बात करते हैं, कोई दिक्कत। आ चुके हैं यहाँ, ये हमारे हैं अमित पाल जी, और इन्हीं की ये शॉप है पाल जी, आप सब बताना चाहोगे पराठे के बारे में, वैसे हर बार की तरह बहुत ही बढ़िया होते हैं, लेकिन इनका राज क्या है, वो राज मुझे आप बताना चाहूँगा, वो तो ठीक है। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब भी ITO आओ, यहाँ पे है, मैं पूरी आपको लोकेशन डाल दूँगा, आप लोग ज़रूरी आओ, और मैं दिखा भी देता हूँ कि पराठे यहाँ कैसे बनते हैं। करते हैं अंकल जी से, अंकल जी यहाँ बहुत पुराना है, अंकल जी बताइए ज़रा यहाँ होटल के बारे में थोड़ा सा, पराठे यहाँ हमेशा वैसे ही रहते हैं जो हमेशा टेस्ट होते हैं, टेस्ट पुराना है वो, टेस्ट अभी है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ कितना टाइम हो गया आते हुए? 25
साल हो गया आपको? 25 साल पुरानी दुकान है ये। वैसे है ये बहुत ही मशहूर। अच्छा, उस टाइम पे कितने का पराठा है? पाँच रुपए अंडे का। क्या बात है, अंडे का पराठा 5 रुपए का आलू का। क्या बात है, सारा ही रेट चेंज होगा। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये भी बात सही है कि 25 साल हो गए। और गाइस, मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि ये पराठे कैसे बनते हैं। वो ये यहाँ पे होती है तैयारी, और ये बन रहे हैं बिल्कुल गरम गरम आलू के पराठे। क्या बात है, ये हमारे दोनों भाई यहाँ बनाते हुए बढ़िया तरीके से। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे ना साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं, 2 साल हमें हो चुका है आते हुए, और हम आगे भी यहीं आते हैं जब भी हमें आलू के पराठे खाने होते हैं। खासतौर से सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है वो आता है सर्दियों में। क्या बात है, गर्म गर्म पराठे बनते हुए। क्या बात है यार, मज़ा आ गया भाई, भूख लग रही है और तेज पराठे देख के। तो गाइस, यहाँ पे अभी तो खैर रात के 12:15 हो रहे हैं, लेकिन भीड़ यहाँ पे इस टाइप की रहती है और यहाँ अच्छा क्राउड रहता है। क्या बात है, ये है रायता जो कि आज फैलेगा। मक्खन भी है और पराठे भी हैं। झा साहब का इंतज़ार होता हो। झा साहब आपका कौन सा है? क्या बात है, चपाती दे दो। रिजा, कुछ कहना चाहोगी तुम? खाना चाहेंगे हम। तभी तो मैं कहता हूँ कि कोई फायदा है। तुम्हें क्या मिर्ची वाले चाहिए? प्याज वाले। ओह माय गॉड, ये रायता लेकिन आज फैलेगा जरूर। ये लो भाई, मेरा आलू का कहाँ है? भाई मैं भी तो खाऊंगा। और यहाँ इस तरीके से जो है, यहाँ जगह नहीं होती। अरे भैया आ चुके हैं। भैया ये आलू का है? ये आलू का बगल मिर्ची वाला। भाई ये मेरा यार दोस्त, ये प्याज का है। बहुत ही बढ़िया। और सारे पराठे आ चुके हैं। तो गाइस, हमारे पराठे आ चुके हैं और हम लोग पराठे खा रहे हैं। ठीक है, सबा सबा, हम लोग आ चुके हैं और पराठे खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसा है क्या है। जो भी आप लोग यार, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। वाइटी तो अभी हम खा लें, उसके बाद बताते हैं कि क्या टेस्ट है, क्योंकि खाते हुए हम भी वीडियो नहीं बना सकते। बहुत ही अच्छा वीडियो था और आज जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोगों ने थोड़ा सा नाइट आउट किया है, बाहर हमने थोड़ा सा खाना खाया है। और गाइज, बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइज, जितने भी व्यूअर हैं, प्लीज़ यार लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल इनसेन सेड वाइटी। और गाइज, हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।